सो गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। बाय गाइज, देखो अभी भाई फाइनली भाई मैं सुबह सुबह उठ चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ स्कूल। तो हाँ भाई, अभी देखो टाइम जो हुआ है भाई वो 6:30 हुआ है, तो अभी तो स्कूल जाने में 1 घंटा है पूरा का पूरा। 7:30 बजे का स्कूल है ना, तो अभी तो टाइम है, तो भाई अभी मैं बाहर ही बैठा हुआ हूँ। तो चलो भाई अभी बैठे टाइम पास कर रहा हूँ मैं, और कुछ तो है नहीं करने को। सो गाइज यहाँ पे देखो भाई हमारा खाना भी आ चुका है भाई सुबह सुबह का, तो भाई आलू भाई और पराठे हैं, तो चलो भाई खा लेते जल्दी फिर स्कूल चलेंगे, है ना। सो गाइज यहाँ पे देखो भाई मैं पूरी तरीके से भाई रेडी हो चुका हूँ, तो चलो भाई अब स्कूल चलते हैं ना। स्कूल का टाइम भी हो चुका है, यहाँ पे कुछ ही 10-5 मिनट रह गए, मतलब 10 मिनट रह गए, तो 10 मिनट में पहुंचूंगा। टाइम लगेगा भाई ऑटो जाना है, चलो भाई चलते हैं स्कूल से। आने के बाद अब मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है बाय। तो गाइस अभी आधे घंटे पहले मैं उठा था, और अभी भैया की छुट्टी होने वाली है, और अभी टाइम हो रहा है नट, कितना टाइम हो रहा है गाइस, अभी 1:50 हो रहा है, और अभी हम भैया का इंतजार करेंगे अपना गेट देखते हुए। जैसे भैया आएगा वैसे ही भैया को, भैया आ गया, और ये भैया आ गया। ब्लॉग बनाते हुए बैठे थे क्या? हाँ मम्मी ने बोला जब तक भैया आए तब तक सीसीटीवी कैमरा करते रहे भैया, अभी ताकि नजरें गाड़ी ही रहनी है। चलो पानी पिला दो। जो हुक्म है। सो गाइस भाई बंकू तो ब्लॉग बनाते हुए था, भाई मैं तो आ चुका, हालत देखो क्या हो गई भाई। चलो भाई तो फ्रेश हो जाते हैं, फिर आपसे मिलेंगे, है ना भाई। भाई ब्लॉग बनाने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ भाई, मैं थोड़ी देर बाद मिलेंगे। सो गाइस देखो अभी मैं नहा के भाई फ्रेश हो चुका हूँ। भाई गाइस अभी आज ना एक पोपट हो गया, आज मतलब जो हमारा ब्लॉग है ना आज वाला, वो भाई मुझे शेड्यूल करने में पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई, और मैंने ना शाम को शेड्यूल कर दिया था 7:30 बजे, फिर भाई मैं जैसे ही आया मैंने 2 बजे अपलोड कर दिया आज। तो भाई आज का ब्लॉग भाई आप लोगों ने कल देखा होगा तो पता होगा भाई, 9 बजे सुबह हम लोग रेगुलर डालते ना, तो 9 बजे तो नहीं आ पाया, अब शाम मतलब 2 बजे आ गया। वरना अगर मुझे ध्यान ना रहता ना भाई, पापा ने कॉल करी थी मम्मी और नट्टू अंकू को, फिर भाई पापा ने बताया कि व्लॉग नहीं आया आज, तभी पता चली, फिर मम्मी ने मुझे बताया, तो फिर मैंने कहा अरे भाई जो क्या हो गया, फिर मैंने तुरंत आते ही अपलोड कर दी 2 बजे। तो हाँ बाकी गाइस अभी हम लोग कर रहे हैं लंच, तो मैं आपको लंच दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या है, तो लाइटिंग नहीं है, लाइट एक लाइट जला दो। देखो गाइस ऐसे लाइटिंग नहीं आ रही ना, ऐसे आ रही है, आप देखो अभी इधर से भी आएगी। अब देखो अब और लाइटिंग आ रही गाइस, ये देखो। चलो गाइस बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस ये देखो आज भाई लंच में बना है, यहाँ पे क्या है, ये दाल है, और क्या है, रोटी चावल खीरा लाल मिर्च हल्दी। हाँ तो चलो गाइस अब लंच कर लेते हैं, भाई बहुत भूख लग रही है स्कूल से आते हुए। स्कूल में तो भाई लंच एक ही रोटी खाई हुई मैंने, मम्मी देती नहीं जाता। चलो गाइस अब लंच कर लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे, है ना भाई। तो गाइस अभी घर में सब सो रहे हैं और मैं ही सिर्फ जगा हुआ हूं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि घर में सब सो रहे हैं। एक मिनट बस, मैं लाइट नहीं जाऊंगा, धीरे बोल रहा हूं। देखो मम्मी सो रही है, कैमरा अच्छी बैठी नहीं रही है, मैं बैठे सो रही है, पूरे कमरे में अंधेरा है, तो भाई नट्टू बंकू भी यहाँ आ गए क्योंकि इन्हें डर लग रहा है ना। कोला ही कोला, मैं मम्मी गई है बाहर, क्योंकि वो पापा आपको पता है ना पंजाब में, तो मम्मी जो है पापा को कुछ दवाई कुरियर करनी है जो पंजाब में मिलती नहीं है, तो भाई पापा ने कहा कि भाई कुरियर करते है ना, क्योंकि ना सोनू चाचा वहाँ जाते हैं, अमृतसर जाते हैं, उनका काम रहता है कुछ, तो मम्मी सोनू चाचा को दे देंगे और सोनू चाचा फिर पापा को दे देंगे, ऐसा चलेगा। कुछ साइकिल बनाई है मम्मी ने, तो हाँ भाई वही मम्मी अभी तो दवाई लेने गई है बाहर, तो अभी भाई मम्मी नहीं है घर में। भाई गाइस आपको पता है? हाँ पता है। तुमको तुम्हें पता है ना? हाँ पता है। जब वो आती है तो बहुत रोशनी हो जाती है। गाइस चलो नट्टू बंकू को डराते हुए देखते, डरूंगा ये लोग डरते कि नहीं डरते। देखो नट्टू बंकू, उस समय की बात है जिस समय में एक चुड़ैल रहता था, एक चुड़ैल एक पेड़ के ऊपर गया, फिर पीपल वाले पेड़ ने उसे बुला लिया। पलंग नट्टू पलंग पे, पलंग के नीचे पता है कौन रहता है? हाँ मुझे पता है, मास्टर अंडर माय बेड। अरे नहीं मैं जा रहा हूँ, कोई नहीं रहता, अरे सब कोई रहता है। क्या हो गया? गेट तो वो ही खोल सकती है जिसके खोलिए। बाहर देखो भाई, बाहर तो शाम हुई पड़ी है। हमें कोई डरा नहीं सकता, उतना किसी में दम नहीं जिसने हमें डरा दिया जानी। गाइस मेरा ही पोपट हो गया, लाइट ही आ गई भाई, अब क्या डरूं। डरा डरा हम डरते हैं, छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल के पैदा हुए, डर तो जाते हैं भाई। ये लोग कैमरा में नहीं डर रहे, ड्रामे कर रहे हैं, उन्हें लोग बहुत डरते हैं। बहुत डर लग रहा है, कैमरा कैमरा लग रहा हूँ।
सो गाइस लाइट फिर से जा चुकी है भाई, अब क्या करें भाई। चल लाइट लाइट इस बार चल, कंटिन्यू करो यार। गाइस लगता कितना रहता है बिना लाइट के, देखो हॉरर लगता है। हर चीज हॉरर हो जाती है अपने आप में। हर चीज हॉरर नहीं होती? होती है। वो देखो वहाँ, देख लिया उधर, देखो वो हॉरर है कि नहीं है पीछे? अच्छा चलो एक कहानी सुनाओ उनको जो हॉरर। एक काम करे, सब लोग एक कहानी सुनाएंगे, देखेंगे किसकी कहानी बेस्ट है। मैं तो अपने सपने वाली सुनाऊंगी। और क्या, हॉरर की कहानी बेस्ट होगी क्या? बकवास की, ऐसे ओवर एक्टिंग क्यों करती है कैमरा में? चलो एक एक कहानी सुनाते हैं, देखेंगे किसकी कहानी बेस्ट है। वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाइए बेल आइकन सबसे पहले। मैं पहले सुनाऊंगा फिर बंकू, फिर बंकू सुनाएगा पहले। चलो मैं क्या सुनाऊं? नचो तुम सुना दो। जिस घर का सबसे बड़ा सदस्य सुनाएगा? मुझे नहीं आती भैया, मुझे नहीं आती भाई। तुम डरा रहे, तुम ही सुनाओ भाई। मुझे नहीं आती ना। नचो तुम सुनाओ सपने की। बस आप एक एक ही रेटिंग पट्टी सुना दो। सपने की सुनाऊंगी, सपने की नहीं। और ना एक ही इसकी सपने की स्टोरी है, वो तो मुझे पता ही रहती है। अच्छा मैं सुनाती हूं। एक बच्चा था, वो स्कूल अपने स्कूल गया, फिर ये नहीं होता जो उसका टॉयलेट होता है वो उसमें गया। और क्या मतलब स्कूल गया सीधे टॉयलेट भाग गया? मतलब क्या टॉयलेट आ ही रही थी क्या? स्कूल में आया, टॉयलेट भाग गया। अच्छा एक बच्चा था, वो स्कूल गया, उसने पढ़ाया, वो सर वाल पढ़ा रहे थे, उसने कहा सर मुझे टॉयलेट आ रही, मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ। ठीक है समझ गया। ठीक है फिर वो वापस सो गया, मतलब वो टॉयलेट में सो गया, भूल गया वो। अच्छा ठीक है चलो हो सकता है ये भी। ठीक है मान लिया। जो बच्चे थे छुट्टी तो होनी थी, छुट्टी हो गई, सब बच्चे अपने घर चले गए। जो वो बच्चा था वो स्कूल में मतलब जगह उठा ना, आँख खुली ना बाप साहब की। उसकी आँख खुली, वो बाहर। लेकिन पहले मुझे को ये बता, टॉयलेट में कोई सो कैसे सकता है? बस ये स्कूल के टॉयलेट में। अरे मेरे सपने, आपको पता है कितनी अच्छी सुगंध आती है, खुशबू। कोई सो कैसे सकता है? सपने में था, सोने की सपने में था। चलो चलो चलो, सपने की बात तो तुम्हारे सपने तुम्हारे जैसे ही होंगे सपने में। अच्छा फिर जो बच्चा था वो स्कूल में घूमा, मुझे लगा ना एक मिनट अभी वो टॉयलेट में सो गया था। भैया कौन घूम रहा है स्कूल में? बच्चा बताया तो अभी वो जगह अन्य मतलब जैसे क्लास टीचर ने बैग एक नहीं देखा ऊपर जाके? नहीं कुछ नहीं देखा। मैं बता रहा ये अंदर टीचर थे वहाँ के, अब वो बच्चा घूम रहा ही नहीं, अपने घर चला जाए, घूमेगा पूरे स्कूल में घूमेगा। चलो ठीक है मान लिया मैंने, मान लिया ठीक है। वो स्कूल में मतलब उठा, फिर बाहर गया अपनी क्लास में, गया कोई था ही नहीं, उसने देखा कि एक बच्चा बैठा हुआ है, फिर वो उस बच्चे के पास गया, फिर डरा दिया बच्चे ने। नहीं फिर उसने बच्चे के हाथ में कंधा रखा, कंधे में हाथ। सुनानी तो आती नहीं है, क्या गाय जी क्या बनेगी? क्या क्या क्या, क्या कंधे पे सोल्जर सोल्डर इंग्लिश ही बोल रही थी। मेरी बारी। थी गंदी अब मैं सुनाऊंगा स्टोरी, तो सब लोग इधर सुनना, तीन लोग बैठेंगे ना। ठीक है इधर पास में आ, पास में आ, पास में पास में, थोड़ी लाइट पड़ेगी ना ऐसे, आवा और पास में आ। लो और पास में लो। तो चलो सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, गाइस आप भी सुनो अच्छे से। एक समय की बात है, सही से बैठो सही से। बहुत डरावनी स्टोरी है, बहुत डरावनी। ये मानो कि एक समय पे लाइट आ गई गाइस, लाइट आ गई भाई, मेरी हॉरर स्टोरी का टाइम ही नहीं आया भाई, जब स्टोरी पूरी करके ही रहेंगे। नहीं नहीं बंद करो, लाइट चला, लाइट चलाओ, लाइट चलाओ। पहले मुझे बताया बस स्कूल के टॉयलेट में सो रहा है। अरे मुझे बहुत पहले आया था, मुझे कुछ याद नहीं, सब पिटा सुना दिया जो भैया होता है। तो भाई यहाँ पे देखो भाई मम्मी आ गई, मम्मी नहीं, मम्मी अच्छी बच्ची, मम्मी मम्मी अच्छी बच्ची है। मम्मी और मम्मी मम्मी बच्ची तो होंगी ना, अपने पापा की बच्ची, मम्मी की बच्ची। मैं पेप्सी पीऊं, मैं वैसे इसको पेप्सी का छोटा लाई आया, बैठ जा मेरे को पानी पिला दो ना यार, पानी पिला। पूरी दुनिया में दवाई ना मिली, दवाई कुछ नहीं मिली मेरी कहीं दवाई। तो गाइस यहाँ पे देखो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे भाई, नट्टू क्लास व्लास ले आई है तो। हाँ अब बाकी गाइस मम्मी एक और चीज लाई, मेरे को दिखा दो भाई ये जो मिठाई पेड़ा, पेड़ा 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 तो हाँ भाई ये भी लाई है मम्मी। दही क्यों लिफाफा कह रहे, तुम हमसे अच्छे तो तुम्हें
दही तो मिल रही है पापा के, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला गाइस, वहाँ पे पता नहीं क्या है, ना दही है, सिर्फ मिठाई है जो खाते हैं। तो भाई चलो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे भाई, है ना। तो भाई यहाँ पे देखो सब लोग पी रहे हैं, नट्टू नट्टू पेठा भी खा रही है। वाओ नट्टू सो एंजॉयबल, कैसा है नट्टू? अच्छा तो जी अच्छी सब है मन का भाव। अब भाई मम्मी पापा से फोन पे बात करते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक मीठी नहीं है, ये कोल्ड ड्रिंक मीठी नहीं है। अब अंकल लड़का नहीं है। सो गाइस यहाँ पे देखो भाई हमारा फाइनली भाई डिनर भी आ चुका है। तो गाइस आज डिनर में भाई बनी है सिवैया, तो हाँ भाई अच्छी होती है ये भी खाने में, तो चलो भाई ये भी खाते हैं। तो हाँ भैया मम्मी भी आ गई, हाँ चलो भैया बंकू भी खा रहा है, चलो गाइस खा लेते हैं फिर आपसे मिलेंगे। तो चलो गाइस डिनर कर लेते हैं फिर आपसे मिलेंगे, है ना। भाई गाइस देखो अभी हम लोग भाई मैं एडिटिंग करने बैठा था, तो भैया मैं अपने पुराने ब्लॉग्स देखने लगा, तो भाई ना सारी मेमोरी ताजा होने लगी तगड़ी। तो भाई मैं बंकू के संग देखो भाई अभी ब्लॉग देख रहा हूँ पुराने, भाई बहुत मजा आ रहा है, एकदम मेमोरी ताजा हो रही सारी सारी। तो मैंने कहा चलो आपको बता दूं भैया हमारा ब्लॉग आप लोग भी जाके देख लेना, देखो बताता हूँ। भाई इसमें ना ये छोटा चाचा आया था हमारा, दिल्ली में रहता है वैसे तो, पर उस दिन आया था। तो देखो इसके संग क्या हो रहा है भाई, ये वाला ब्लॉग है ठीक है, आप सर्च कर लेना आ जाएगा। ओ भाई अरे भाई साहब हमारे यहाँ पेंट वगैरह हो रहा था, तो उस दिन ना घर में सब पुताई वगैरह सब चल रही थी, पेंटिंग हो रही थी घर की। तो हाँ तो आप लोग जाके देख लेना भाई, बहुत बढ़िया ब्लॉग बने था भाई। चलो गाइस अब भाई एडिटिंग कर लेता फिर आपसे मिलेंगे भाई, ब्लॉग देखने के बाद मैं एडिटिंग ही करूंगा सीधे। सो गाइस यहाँ पे देखो भाई फाइनली हमारे आज के ब्लॉग की एडिटिंग भाई कंप्लीट हो चुकी है भाई, पूरी पूरी है ना। तो हाँ भाई आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। भाई गाइस अभी मैंने ना लाइट नहीं जला रखी क्योंकि ना नीचे भाई मम्मी सो रही है, तो भाई मम्मी को डिस्टर्ब हो रहा है। वैसे लाइट तो आ रही है पर मैंने जला नहीं रखी ना, तो क्योंकि ना सब कुछ डिस्टर्ब हो जा रही है, लोग सो रहे हैं ना सब लोग। तो चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। भाई गाइस अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चलो सब्सक्राइब कर देना। आप मिलेंगे ऐसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय सी यू सून, बाय बाय। ये देखो गाइस भैया अभी तक सो रहा है, मैं अभी कह रहा हूँ भैया उठ जाओ, लेकिन भैया नहीं उठा। भैया 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 गाइस भैया को नहीं उठाते, भैया को सोने देता है, भैया रात को एडिटिंग करिए। तो भाई लाइट बंद कर देते हैं।